अगर दोस्तों आप एक ऐसी पेमेंट ऐप के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जहां पर अकाउंट ओपन करने के बाद में अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अकाउंट की डिटेल्स हमें देखने को मिल जाए, साथ ही साथ यहां पर उसके मोबाइल बैंकिंग को चालू कर सकें, वर्चुअल डेबिट कार्ड हमें मिल जाए जिससे हम यहाँ पर गूगल पे, फोनपे, पेटीएम जैसी अप्लीकेशंस को भी हम यूज़ कर सकें। अगर आपको एक ऐसी पेमेंट ऐप के अंदर अकाउंट ओपन करना है तो इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, पूरा देखना। यहाँ पर हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं और किस प्रकार से यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करना है उसका भी पूरा प्रोसेस जानने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको कई सारी पेमेंट ऐप देखने को मिल जाती हैं। सबसे ज्यादा आपका जो अकाउंट है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर खोला जा रहा था, जिसे दोस्तों बंद कर दिया गया है। इसके बाद में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर भी डिजिटल अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस जो बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर हमारे पास एनएसडीएल पेमेंट बैंक के अंदर आप चाहो तो अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर यहीं पर फिनो पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको 450 रुपये का सब्सक्रिप्शन हर साल आपको देना पड़ता है, तो लोग उसमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एयरटेल पेमेंट बैंक बचता है, जियो पेमेंट बैंक बचता है। अब यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीके के डेबिट कार्ड मिल जाएंगे और आपको डिजिटल सर्विस भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप जियो पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं तो जियो पेमेंट भी बैंक आपको जो है इंस्टेंट ही वर्चुअल डेबिट कार्ड देती है, इंस्टेंट ही इसकी मोबाइल बैंकिंग को चालू कर सकते हैं और इसके यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू गूगल पे, फोनपे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं और अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा आसान है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता है कि जियो पेमेंट बैंक जो है वो आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अंदर आपको एक रुपये मेंटेन करना नहीं पड़ता है। यहाँ पर जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, मोबाइल बैंकिंग को जैसे चालू करते हैं तो यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, एक रुपया डेबिट कार्ड का आपको पे वगैरह करना नहीं पड़ता है। अकाउंट ओपन होने के बाद में जितने भी तरीके के पेमेंट मोड है वो सारे पेमेंट आप कर पाओगे, जैसे NFT, MPS, RTGS और UPI के थ्रू पेमेंट वगैरह कर पाओगे। जियो पेमेंट बैंक की जो लिमिट है वो आपको 2 लाख रुपए की मिल जाती है, 2 लाख रुपए तक की यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो भी पैसा इसके अंदर डिपॉजिट करके रखोगे वहाँ पर आपको 3.5% का आपको इंटरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो मंथली आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर ऐसे में आप चाहो तो जियो पेमेंट बैंक के अंदर आप अपने बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हो। इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो के अंदर जानकारी भाई समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले माई जियो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। देन यहाँ पर एप्लीकेशन को जैसे आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका मन में एक और डाउट होगा कि भैया इसमें हम क्या, हमारा अगर जियो का नंबर होगा तभी हमारा अकाउंट ओपन होगा, ऐसा नहीं है। किसी भी कंपनी का आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप डालकर अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ परमिशंस को अलाउ करना होगा, तो उसके लिए प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि जियो पेमेंट जियो एप्लीकेशन के अंदर आप इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर मोर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहीं पर एक बैंक का सेक्शन मिल जाएगा, बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद में देख सकते हैं कि जियो पेमेंट बैंक है वो जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कराती है, किसी प्रकार का कोई भी हिडन चार्ज भी आपको यहाँ पर पे करना नहीं पड़ता है। साथ ही यहाँ पर फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा और यहाँ पर पेमेंट भी दोस्तों आप कई प्रकार के कई मोड से पेमेंट वगैरह कर सकते हो। अब अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे देख सकते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सबसे पहले आपके फ़ोन में जितने भी सिम पड़े होंगे दोनों शो हो जाएंगे और यहाँ पर किस मोबाइल नंबर से आप अपने बैंक अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं वो यहाँ पर मोड को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे देख सकते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा और पेज को आपको जो वेरीफाई कर देगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जब हमारा अकाउंट ओपन होगा तो वहाँ पर हमें MPIN को भी सेट करना होगा, तो यहीं पर दोस्तों देख सकते हैं एंटर MPIN का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 डिजिट का MPIN टाइप करेंगे, दूसरे वाले बॉक्स में 4 डिजिट का MPIN टाइप करेंगे और यहाँ पर अगर आप चाहो तो फिंगरप्रिंट को एनेबल कर सकते हैं। देन इसके बाद में प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं जीरो बैलेंस डिजिटल अकाउंट आपको मिल जाता है, 3.5% का आपको इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे हमने कि वीडियो के शुरुआत में आपको बता ही दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट अन अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जियो पेमेंट वेलकम आ जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, पेज आपका जो है रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए एक बार OTP जाएगी, वो OTP आप इस बॉक्स में टाइप कर देंगे और इसके बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। बैंक की तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हें रीड कर सकते हैं। देन इसके बाद में आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक की तरफ से JPB सेविंग अकाउंट हमें मिलता है, आप देख सकते हैं।
और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि कुछ बेनिफिट दिए गए हैं, आप रीड कर सकते हैं। देन इसके बाद में आप यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर भैया किसका आपको अकाउंट ओपन करना है, उस भाई का पैन कार्ड इस वाले कॉलम में टाइप कर देंगे और इस वाले कॉलम में आप अपने आधार नंबर को टाइप कर देंगे। बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस होगी तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके बाद में जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर UIDAI ने एक कंसेंट दिया होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंसेंट को अलाउ करना होगा। इसके बाद में सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। अब वो वाली ओटीपी आप यहाँ पर टाइप करेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद में जो भी आपकी डिटेल्स आधार कार्ड पर होगी, जैसे आपका फ़ोटो, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, ये सब कुछ यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। नीचे देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा कम्युनिकेशन डिटेल्स का, आपको यहाँ पर इसके नीचे देखेंगे ईमेल आईडी टाइप कर देंगे। जो भी आप अपने बैंक अकाउंट से ईमेल आईडी को लिंक करना चाहते हैं ईमेल आईडी को टाइप करेंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले मैरिटल स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके जो पैन कार्ड पर आपके पिताजी का नाम है, इस वाले कॉलम में अपने पिताजी का फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, दूसरे वाले कॉलम में पिताजी का लास्ट नेम टाइप करेंगे, इस वाले कॉलम में माताजी का फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, इस वाले कॉलम में माताजी का लास्ट नेम टाइप करेंगे और ये डिटेल्स फिल करने के बाद में प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने ऑक्यूपेशन का ऑप्शन आ जाएगा भी क्या भैया आप क्या काम करते हैं, वो काम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सोर्स ऑफ इनकम का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। आपके पास जो भी फंड आ रहा हो कैसे आ रहा है, आपकी फैमिली के थ्रू आ रहा है या फिर आप कोई बिजनेस करते हो उसके थ्रू आपके पास पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है वो आपको मोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं एनुअल इनकम के ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक साल में आप कितने पैसे कमा लेते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐड ए नॉमिनी का एक सेक्शन आ जाएगा। अगर आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी नॉमिनी का रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, नॉमिनी का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम टाइप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को टाइप करेंगे। अगर जो भाई अकाउंट ओपन कर रहा है और नॉमिनी का अगर एड्रेस सेम है तो देख सकते हैं कि सेम एज ए माई आधार एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, तो एड्रेस आपको फिल करना नहीं पड़ेगा और इसके बाद में प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर यहीं पर आप नॉमिनी को ऐड नहीं करना चाहते तो बैक आ जाएंगे, स्किप फॉर नाउ का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको नॉमिनी ऐड करना नहीं पड़ेगा। और फाइनली जो अभी तक के हमने अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म को फिल करा है वो सारा फॉर्म आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एक एक डिटेल्स को आपको चेक कर लेना है कहीं आपने कुछ भी गलत तो नहीं फिल करा है। अगर आपने कुछ भी गलत नहीं फिल करा है तो देख सकते हैं नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर कुछ गलत है तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अभी भी आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। इसके बाद में देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि भैया आपको एक KYC को भी कंप्लीट करना होगा, तो इसके लिए आपके रूम के अंदर लाइट अच्छी होनी चाहिए, आपके पास पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। स्टार्ट कॉल द विद एन एजेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक की तरफ से डिक्लेरेशन आपको बताई गई है कि ये चीज़ें आपको रेडी रखना है वरना आपकी KYC नहीं हो पाएगी। तो इसके बाद में स्टार्ट कॉल विद द एजेंट का ऑप्शन आ जाएगा, इस ऑप्शन पर दोस्तों आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर टाइम वगैरह चलने लगेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर एजेंट आपसे बैंक के जो है जुड़ जाएंगे, आपकी यहाँ पर KYC को कंप्लीट करेंगे, KYC के दौरान आपका ओरिजिनल पैन कार्ड देखेंगे, बेसिक जानकारी पूछ सकते हैं। देन इसके बाद में यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा क्योंकि आपकी सक्सेसफुल KYC कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर जब KYC कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर वीडियो KYC सक्सेसफुल का आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर KYC भी सक्सेसफुल हो गई है। अब इसके बाद में दोस्तों आपको MyJio एप्लीकेशन को फिर से ओपन करना है। जैसे दोस्तों MyJio एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा, बैंक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। बैंक वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जो पिन को सेट किया होगा वो पिन ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा क्योंकि आपका यहाँ पर फेस हमारा जो है फेस देखकर हमारा लॉगिन हो चुका है। नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको वैलेट मिल जाएगा, जो भी आपका वैलेट के अंदर पैसा होगा वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। और यहीं पर नीचे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपका जो यूनिक रिलेशनशिप आईडी है वो भी मिल जाएगा। और यहीं पर आप देख सकते हैं कार्ड नंबर का एक सेक्शन मिल जाएगा, कार्ड नंबर वाले आँख वाले अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपका कार्ड नंबर, आपका नाम और आपका जो एक्सपायरी डेट वगैरह है सब कुछ इंस्टेंट ही देखने को मिल गया है।
तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से घर बैठे ही आप जियो पेमेंट बैंक के अंदर बहुत ही आसानी के साथ में अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। बस इसके अंदर एक ही डिसएडवांटेज है, ये आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं देती है, बाकी सारी सर्विसेज आपको देती है, आप इसे यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी पूरी तरीके से समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।